हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल स्टफ कुलचा। वो भी हम इसे 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसे फटाफट बनाकर तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है। इस बोल के अंदर हम 1/4 कप दही डालेंगे और अब हम डालेंगे मेयोनीज। तो मेयोनीज भी मैं 1/4 कप ही डाल रही हूँ। तो हमने 1/4 कप दही डाला था, 1/4 कप मेयोनीज डाला है और अब मैं 1/4 कप ही दूध डाल रही हूँ। बस हमें सभी चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर लेना है, फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 छोटा चम्मच विनेगर और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ और साथ में इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और फिर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पत्ता गोभी। तो हम इसमें 1 कप कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे, साथ में डालेंगे गाजर। तो 1 गाजर को मैं घस के डाल रही हूँ। साथ में डाल देंगे 1 प्याज। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है तो हम प्याज को भी डाल देंगे और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, हमारा ये सब्जियों वाला मिक्सचर तैयार है। फटाफट से हम एक मिक्स सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप लेंगे और टोमेटो केचप के अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन। तो मैंने लहसुन को क्रश करके डाला है और साथ में इसमें 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और साथ में डाल देंगे ओरिगैनो। तो ये मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये सॉस बनकर तैयार हो गया है। और अब मैंने ये कुलचा लिया है, ये मैंने मार्केट से लिया है। आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास कुलचा ना हो। तो सबसे पहले इस कुलचा के ऊपर हम बटर लगा लेंगे और बटर लगाने के बाद जो हमने सॉस बना के रखा है वो हम इसमें लगाएंगे। तो मैंने दोनों कुलचा के ऊपर इस सॉस को लगा लिया है और अब जो हमारा सब्जियों वाला मिक्सचर है वो इसके ऊपर डालेंगे। तो हम इसके ऊपर 3 से 4 बड़े चम्मच सब्जियों वाला मिक्सचर डाल देंगे। सब्जियों वाला मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर हम कुछ कटी हुई सब्जियां डाल रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाल रही हूँ और साथ में इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। तो मैं इसके ऊपर 2 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ के डाल रही हूँ। तो हमें इस तरीके से ग्रेट करके डालना है। आप चाहें तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं या आप इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो को स्प्रिंकल कर देंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाला है और अब जो दूसरा कुलचा जिस पर हमने सॉस लगा के रखा है वो इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देंगे और ऊपर की साइड बटर लगा लेंगे। तो अभी मैं एक ही साइड इसके ऊपर बटर लगा ले रही हूँ और अब मैं इसे ग्रिलर में ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। तो जिस साइड हमने बटर लगाया है उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर की साइड हम बटर लगा देंगे और अब हम इसे सेकने के लिए रख देंगे। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यानी कि हमारा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कुलचा बनकर तैयार हो गया है और इसे हम गरम गरम ही सर्व करेंगे। आज मैं इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो मैं इसे इस तरीके से चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, जिस तरह की हम स्ट्रीट फूड खाते हैं वैसे ही मैंने इसको सर्व किया है। आप घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।